हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग एक के पाठ 9 के शेष प्रश्न करेंगे। सबसे पहले पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। एक पंक्ति ये है और दूसरी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? यहाँ आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर लिखते हैं। इन दोनों दोहों में आपा का प्रयोग दोहों में आपा का प्रयोग हुआ है आपा का अर्थ होता है घमंड। आपा का अर्थ होता है घमंड। जो मनुष्य के पास अधिक धन बल सत्ता प्रतिष्ठा आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है। इसी अहंकार के बल पर वह अपने आप को बड़ा और सामने वाले को तुच्छ समझता है। उसके बल पर वह सामने वाले को तुच्छ समझता है। उसे अपने से
उसे अपने से सब छोटा दिखाई देता है, उसे अपने से सब छोटा दिखाई देता है। इस प्रकार आपा से अहंकार का ही मतलब निकलता है। इस प्रकार आपा से अहंकार का ही मतलब निकलता है। अहंकार का ही मतलब निकलता है। ये है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। ये है अगला प्रश्न। प्रश्न दो, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास आपा और आत्मविश्वास में तथा में तथा आपा और आपा और उत्साह आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, क्या कोई अंतर हो सकता है, क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। ये है पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, आपा और आत्मविश्वास में आपा में आत्मविश्वास एक गुण है। आपा और आत्मविश्वास आपा और आत्मविश्वास आपा में आत्मविश्वास आपा में आत्मविश्वास एक गुण है जो एक गुण है जो अहंकार का रूप धारण कर लेता है, जो अहंकार का रूप धारण कर लेता है।
अहंकार का रूप धारण कर लेता है। आत्मविश्वास एक गुण है जो आत्मविश्वास एक गुण है जो अपने आप पर अत्यधिक भरोसा कर लेता है, जो अपने आप पर अधिक भरोसा कर लेता है, जो अपने आप पर अधिक भरोसा कर लेता है। आपा में व्यक्ति अपने आप को आपा में व्यक्ति अपने आप को अपने आप को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ और सर्व श्रेष्ठ समझने लगता है। सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। आपा और उत्साह, ये रहा आपा और आत्मविश्वास, और आप है आपा और उत्साह, ये है। आपा में अहम का भाव है। आपा में अहम का भाव है। आपा में अहम का भाव है। तथा उत्साह में किसी काम को तथा उत्साह में किसी काम को किसी काम को करने का जोश होता है। करने का जोश होता है। उत्साह एक गुण है जबकि आपा अवगुण। उत्साह एक गुण है जबकि जबकि आपा अवगुण। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अब इस प्रश्न को एक बार पढ़ के सुना दे रही हूँ। आपा और आत्मविश्वास। आपा में आत्मविश्वास एक गुण है जो अहंकार का रूप धारण कर लेता है। आत्मविश्वास एक गुण है जो अपने आप पर अधिक भरोसा कर लेता है। आपा में व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। आपा और उत्साह। आपा में अहम का भाव है तथा उत्साह में किसी काम को करने का जोश होता है। उत्साह एक गुण है जबकि आपा अवगुण। ये है प्रश्न दो का उत्तर। अब प्रश्न तीन है। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते तथा एक
एक समान विचार नहीं करते? ठीक है, ये प्रश्न है प्रश्न 3। अब हम लोग करते हैं कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं और एक समान विचार नहीं रखते। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं करते, पर एक समान विचार नहीं करते। पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? पाठ में आई कबीर की किस साखी पाठ में आई कबीर की पाठ में आई कबीर की किस साखी किस साखी में उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? क्या है लिखिए। ये प्रश्न है, प्रश्न तो अत्यंत बड़ा है। अब उत्तर हम लोग लिखेंगे। कबीर के दोहे समाज में सभी को एक समान रूप से मानने का उपदेश देते हैं। कबीर के दोहे कबीर के दोहे समाज में सभी को समान रूप से मानने का उपदेश देते हैं। समाज में सभी को समान रूप से मानने का
उपदेश देते हैं। समान रूप से मानने का उपदेश देते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक है कि समाज में एक समान होने के लिए आवश्यक है कि समाज में अमीर गरीब ऊंच नीच जातीय वर्गों के आधार पर जातीय वर्गों के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अतः हमें दोहे से सीख ये दोहा हमें सीख देता है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परोपकार की भावना से समाज में सेवा करना चाहिए। अतः यह दोहा हमें सीख देता है कि हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परोपकार के लिए समाज में सेवा करना चाहिए। ये है आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग चौथे प्रश्न का करेंगे। चौथा प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। ये है आपका चौथा प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ होता है
होता है प्रत्यक्ष रूप से में। प्रत्यक्ष रूप से यानी उन्होंने समाज में जैसा देखा, यानी उन्होंने समाज में जैसा देखा, उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। वैसा ही कहा इस दुनिया में फैली सामाजिक कुरीतियों, इस दुनिया में फैली सामाजिक कुरीतियों, इस दुनिया में फैली सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने जैसा देखा, कुरीतियों को उन्होंने जैसा देखा उसके आधार पर अपने दोहों की रचना की। देखा उसके आधार पर, उसके आधार पर उन्होंने, उसके आधार पर उन्होंने अपने दोहों की रचना की। अपने दोहों की रचना की। कबीर के प्रत्येक दोहे हमें कुछ न कुछ संदेश अवश्य देते हैं। कबीर के प्रत्येक दोहे, प्रत्येक दोहे हमें कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ संदेश अवश्य देते हैं। ये है चौथे प्रश्न का उत्तर। अब है भाषा की बात, ठीक है। अब है भाषा की बात। भाषा की बात में बोलचाल की कुछ क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है मन में से मनुआ, और इसी तरह से कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं उन शब्दों का हमें प्रचलित रूप लिखना है भाषा की बात में, ठीक है। अब ये देखिए भाषा की बात है। भाषा की बात में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें प्रचलित रूप लिखना है, माने शुद्ध रूप हमें लिखना। ये तत्सम शब्द है। अब हम ज्ञान को हम लिखेंगे ज्ञान, जीवी को जीव या जिह्वा, जीव या जिह्वा, पाँव का पाँव या पैर, और तली का तल, आँखी का आँख, आँख या अक्षी, और खरी, खरी का सॉरी ये बरी है, बैरी, बैरी का बैरी या शत्रु। ये है आपका कुछ
तत्सम शब्द जो इसमें दिया हुआ है, इन शब्दों को हमें हमने इसका जो तद्भव दिया हुआ था उसका हमने तत्सम शब्द लिखा। ठीक है, अब इन शब्दों से जैसे ज्ञान, जीभ, पांव, तल, आंख और बैरी। ठीक है, आज बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।